रोड सेफ्टी सीरीज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको ऑटोमेटेड टेस्ट लेन के फायदे के बारे में आपको अवगत कराऊंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि व्हीकल फिटनेस का जो सिस्टम है अभी भारत में मैनुअल है, यानी कि विजुअल तरीके से हम गाड़ी को देखते हैं और उसके बाद उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करते हैं। लेकिन इस ऑटोमेटेड टेस्ट सिस्टम में व्हीकल को उसकी परफॉर्मेंस पर अलग अलग मशीनों द्वारा चेक किया जाता है, जिसमें कि हमारे सभी प्रकार के सिस्टम यानी कि फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम यानी कि पोल्यूशन सिस्टम, फिर उसके बाद में ब्रेक सिस्टम, स्टेयरिंग सिस्टम और उसकी स्पीड, स्पीडोमीटर, स्पीड गवर्नर और नॉइज़, ये सब हमारा पहले स्टेशन पर चेक होता है। उसके अलावा नेक्स्ट स्टेप्स में हमारा सस्पेंशन का टेस्ट रहता है और उसके बाद में उसका जॉइंट प्ले का टेस्ट रहता है, जिसमें कि उसका स्टेयरिंग सिस्टम में आने वाले व्हील अलाइनमेंट का सिस्टम साथ में चेक होता है और लास्ट में उसका हेडलैम्प का डिफ्लेक्शन वो भी इसके साथ चेक होता है। मैं आपको छोटा सा एक टूर पर लेके चलता हूँ। ई रोलर सिस्टम पर इसकी स्पीड चेक होती है, जो कि हमारा रोलर पर स्पीड गवर्नर में क्या उसकी गति रहती है वो एक्यूरेटली डिजिटली हमारा चेक होता है। फिर उसके बाद में हमारे सिस्टम में पोल्यूशन का चेक, जो कि डीजल हो या सीएनजी हो या पेट्रोल हो, वो सभी सिस्टम हमारा इस एक ही जगह पर चेक होता है। इसके साथ में इसकी गाड़ी की जो इंजन की नॉइज़ है या उसकी हमारा जो हॉर्न की नॉइज़ है वो भी चेक होता है। हमारे सिस्टम में हर प्रकार के डेटाबेस अवेलेबल होते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से इसमें मैनिपुलेशन नहीं कर पाते। जो भी सिस्टम होगा ट्रांसपेरेंसी के साथ होगा, किसी तरह की कोई भी मैनिपुलेशन में कोई गुंजाइश नहीं होती है। और व्हील अलाइनमेंट हमारा तुरंत चेक हो जाता है और आपका एक सेकंड में व्हील अलाइनमेंट सिस्टम चेक हो जाता है। इसका सस्पेंशन चेक होता है, यानी कि उसके शॉक एब्जॉर्बर कितना काम कर रहे हैं वो हमारा चेक होता है। और इसके साथ में नेक्स्ट स्टेज पर हमारे ब्रेक सिस्टम चेक होते हैं, जो कि आपके चाहे वो आउट ऑफ टर्न हो, प्री लोड हो, ब्रेक डिफरेंस हो, पार्किंग ब्रेक हो, पांच पैरामीटर एक दफ़ा हमारा मात्र एक मिनट से भी कम में चेक हो जाते हैं। यहाँ पर हमारा टर्निंग रेडियस कितना डिग्री में है वो चेक होता है और इसके बाद में ये जॉइंट प्ले टेस्ट होता है, जिसमें कि हम गाड़ी के स्टीयरिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार की त्रुटि है उसको तुरंत चेक कर सकते हैं। में प्राप्त होता है वो डिजिटली रिकॉर्ड हो जाता है और इसके बाद में हमारा हेडलैम्प टेस्टिंग शुरू होती है, जिसमें कि गाड़ी की हेडलैम्प को चेक किया जाता है, उसका अलाइनमेंट चेक किया जाता है और फोकस का एंगल भी चेक किया जाता है। शिकारा MLO ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट झुलझुली से आपका स्वागत करता है और धन्यवाद करता है कि आपने यह वीडियो सुना, देखा और इसको आगे यूज़ करेंगे।